हाय एवरीवन, वेलकम टू केम हाउस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शंस। जैसा कि हमने प्रीवियस के लेक्चर्स में दोस्तों जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शंस क्लेडन से कवर किया है और जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट थी इस रिएक्शंस की हमने वहां पे डिस्कस की है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों जूलिया ओलिफिनेशंस को, हम कैरोथर से आज डिस्कस करने वाले हैं। कैरोथर के जितने भी एग्जांपल्स हैं हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और फर्दर कैरोथर जैसी ही हमारी खत्म हो जाएंगी हम लोग जाएंगे जीव फाइल्स की ओर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे हम लोग बेसिक चीजें डिस्कस नहीं करेंगे। जिन लोगों ने हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शंस का, वो जरूर देख ले, क्योंकि हमने उस लेक्चर में दोस्तों पूरे बेसिक चीजें जो रिक्वायरमेंट होती है जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शंस के लिए वो डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि रिएक्टेंट क्या चाहिए, हमें गुड लिविंग ग्रुप क्या चाहिए, कंडीशंस क्या चाहिए, रिएक्शन कौन सी होती है, रेडियो स्पेसिफिक होती है या स्टेरियो सेलेक्टिव होती है, ये सब चीजें हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में डिस्कस की हुई है। जो लोगों ने हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है वो लोग जरूर उस लेक्चर को देख ले, क्योंकि हम लोग इस लेक्चर में बेसिक डिस्कस नहीं करने वाले, हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल्स लेंगे और सोल्यूशंस की ओर जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें मिथाइल दिया हुआ है, CH2 और सल्फोन दिया हुआ है। ये हमारा आ गया सल्फोन और कंडीशन जो दी हुई है बेसिक कंडीशन है। क्या करेगा बेस, कौन सा वाला प्रोटॉन लेगा, ये हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में डिस्कस किया है। क्यों लेगा, क्या रिजल्ट होगा, ये सब चीजें हमने दोस्तों लेक्चर नंबर फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें मॉलिटी मिलेगी सल्फोनिल इनोलेट्स या फिर कार्बन अनायंस भी कह सकते हैं हम लोग, SO2PH, ये वाली मॉलिटी यहाँ पे हमें मिलेंगी। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल दिया है हमें वो देखना है क्या दिया है, एल्डिहाइड दिया है। जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल दिया है यहाँ पे हमें एल्डिहाइड कंपाउंड दिया है दोस्तों। अब क्या होगा, 1-2 एडिशन होगा, सिंपल रिएक्शंस होंगी हमारी यहाँ पे। ये 1-2 एडिशन हो गया एल्डिहाइड पे और जो फॉर्मेशन होगा हमें वो मिलेगा ए वाला कंपाउंड। जो भी कंपाउंड यहाँ पे मिलेगा हमें वो होगा हमारा ए। अब क्या मिलता है देखो, ये हो गया हमारा OH, कौन सा अल्कोहल बना दोस्तों, सेकेंडरी अल्कोहल बना, और अगर इसका कंपाउंड से अगर हमें नाम देना है तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो कौन सा वाला कंपाउंड मिला हमें, बीटा हाइड्रोक्सी सल्फोन मिला है हमें। कौन से वाले रूट से मिला है, सिंपल हमने क्या किया, सल्फोन था, सल्फोन के साथ बेसिक कंडीशन में रिएक्शंस करवाए, सल्फोन के ऊपर जो अल्फा वाला कार्बन होगा उसका जो हाइड्रोजन होगा एसिडिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो आपका सल्फोन है हमें पता है इसका जो काम होता है, इसका रोल क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, नेबरिंग के कार्बन की क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच लेगा, जिसके वजह से दोनों ही जो हाइड्रोजन होंगे आपके ये चले जाएंगे एसिडिक इन नेचर में। अब जब ये एसिडिक इन नेचर में चले गए, सिंपल बेस डाले, प्रोटॉन कैप्चर करेंगे, इनोलेट बनवाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब जो नेक्स्ट कंडीशन दिया हुआ है क्या दिया है दोस्तों, MeSO2Cl दिया है। मैं यहां लिख रहा हूं MeSO2Cl, पर इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ये हमारा हो गया मिसिल क्लोराइड्स, ये मिसिल क्लोराइड्स भी कह सकते हो आप इसे, या फिर मिथेन सल्फोनिल क्लोराइड्स भी कह सकते हो। क्लेडन में हमें ये रिएजेंट नहीं दिया है, क्लेडन में क्या डिस्कस किया था दोस्तों, अगर आपको क्लेडन के पॉइंट्स अगर याद होंगे, हमने जो प्रीवियस में लेक्चर्स लिए थे लेक्चर नंबर फर्स्ट में, क्लेडन ने हमें गुड लिविंग ग्रुप बताया था, और कौन सा वाला बताया था, उसमें टू लिविंग ग्रुप कहा था हमें, एक कहा था बेंजोएट और एक दूसरा कहा था हमें एसीटेट। कौन से दो कहा था क्लेडन ने, अकॉर्डिंग टू क्लेडन एक होगा हमारा बेंजोएट कहा था और जो दूसरा कहा था एसीटेट कहा था। ये दो लिविंग ग्रुप होने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू क्लेडन, लेकिन कैरोथर ने नए वहां पे हमें एक और लिविंग ग्रुप बता दिया है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि जो हमारा एक टॉपिक होता है वो किसी एक बुक्स के सहारे नहीं चलना है हमें, हम जितने ज्यादा रेफरेंसेस बुक्स उसके लिए रिफर करेंगे दोस्तों उतने ही हमें नए एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेंगे, उतने ही हमें नए रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या बनाया, अब जो हमारा OH गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा या जो मॉइटी हमें मिलेंगी वो देखो कुछ इस तरह से मिलती है, SO2PH Me आ गया और ये आ गया ओ
SO डबल बॉन्ड हो ये आ गया Ne, और बाहर क्या चला गया हमारा ये H, और यहाँ से Cl यानी HCl बाहर जा रहा है, और जो हमें मॉइटी मिल रही है वो क्या मिल रही है, O सल्फोनिल डेरिवेटिव। क्या मिल रहा है हमें, O सल्फोनिल डेरिवेटिव, जैसा कि बता रहा है आपके कैरोथर में क्या कहा है उसने, ये जो मॉइटी मिल रही है अभी गुड लिविंग ग्रुप हो गया। क्लेडन ने क्या कहा था भाई, अगर क्लेडन के आपको पॉइंट्स याद आ रहे होंगे हमारे लेक्चर नंबर फर्स्ट के, हमने कुछ इस तरह से बताया हुआ था SO2PH और यहाँ पे OAC होगा या फिर बेंजोएट होगा। अब यहाँ पे OAC तो नहीं है भाई गुड लिविंग ग्रुप, अब यहाँ पे क्या आ गया, O सल्फोनिल डेरिवेटिव आ गया, यानी अगर O सल्फोनिल डेरिवेटिव आता है दोस्तों वो कौन सी होंगी, जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन सी होने वाली है। ठीक है, तो कैरोथर ने हमें ये नया रिएजेंट बताया है। अब जो नेक्स्ट कंडीशन दिया हुआ है सेम कंडीशन, जो नेक्स्ट वाली है हमारे सोडियम अमलगम दिया है, अब हमें पता है सोडियम अमलगम क्या करेगा, यहाँ पे जो बनेगा हमारा अल्किन बनेगा, कौन सा बनेगा वो भी पता है, और क्यों बनेगा वो भी हमने डिस्कस किया है लेक्चर नंबर फर्स्ट में। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे अल्किन बना रहा हूं, ये हमारा आ गया प्रोडक्ट, कौन सा होगा प्रोडक्ट, ई होगा, क्यों होगा ये, क्योंकि ये जो रिएक्शन है हमारी जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन है, कौन सी है, रिजियो स्पेसिफिक रिएक्शन से, यानी कि ये कोई सिंगल हमें क्या देंगी, प्रोडक्ट देंगी। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर टू, अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग प्रॉब्लम नंबर टू की। क्या दिया हुआ है हमें गिवन में, साइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ है, एक 6 मेंबर की रिंग और एक 5 मेंबर की रिंग, और उसी 5 मेंबर की रिंग पे हमें दिया हुआ है एल्डिहाइड, यानी ये जो एल्डिहाइड होगा हमारा ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और ये सल्फोन के जो अल्फा वाले कार्बन से हम क्या कराएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। कंडीशन क्या दिया हुआ है, बेसिक कंडीशन दिया है, जिस तरह से हमने प्रीवियस के एग्जाम्पल्स पे कंसेप्ट अप्लाई किया वही कंसेप्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे, और जो हमें मॉइटी मिलेंगी कुछ इस तरह की हमें मॉइटी मिलती है, ये हमारा आ गया O माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ये सल्फोन SO2PH आ जाएगा, ये ग्रुप एज इट इज होगा, ये मिथाइल डाउन से ही होगा। अब यहाँ से आगे अब क्या दिया हुआ है दोस्तों, कंडीशन हमें सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, एसिटिक अनहाइड्राइड दिया है, एसिटिक अनहाइड्राइड दिया है सेकंड कंडीशन में हमें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास O माइनस था, O माइनस क्या करेगा, इस एसिटेट पे अटैक करेगा कार्बोनिल कंपाउंड्स पे, और कन्वर्ट हो जाएगा आपका O माइनस का एसिटेट में, जैसा कि हमने क्लेडन में देख चुके हैं ये वाला कंसेप्ट। तो हमने अब यहाँ पे ये जो कंपाउंड बनाए है ये बन गया हमारा एसिटेट बन गया, अब ये आ गया SO2PH, मैं इसे R ग्रुप लिख रहा हूँ, ये जो ग्रुप है हमारा हम इसे R कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन अल्किन फॉर्मेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्रो मैकेनिज्म होगा, जैसा कि आपने देख चुके हैं ये हमारे लेक्चर नंबर फर्स्ट में, ये मिथेनॉल आ गया, हमारा जो अल्किन मिलेगा हमें कौन सा वाला मिलेगा, अल्किन ई अल्किन एज मेजर प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया हमारा ये आर ग्रुप आ गया, ये हो जाएगा इसका आंसर प्रॉब्लम नंबर टू का भी। अब ये तो दोस्तों आपको दिख रहा है प्रॉब्लम नंबर थ्री, ये वाला रेड में हमने लिखे, ये थोड़ा यूनिक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे जो रिएक्शन कराया है इसने ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन कराया है, ब्यूटिल MgBr क्या लिया है, कंडीशंस रिएजेंट्स क्या लिया है, ग्रिग्नार्ड रिएजन लिया है ब्यूटिल MgBr, और यहाँ पे सिंपल उन्होंने प्रोडक्ट बताया है अल्किन एज ए प्रोडक्ट बता दिया है SO2PH, यह आएगा आपका C9H90 मिथाइल ग्रुप, और जो कंडीशन होंगी ग्रिग्नार्ड की BO MgBr दिया है, साथ में पलेडियम कैटालेज दी पलेडियम के साथ। अब जो इसका प्रोडक्ट दिया है भाई अकॉर्डिंग टू कैरोथर C9H90 कौन सा वाला अल्किन मिला है दोस्तों हमें, यहाँ पे ये जेड अल्किन मिल रहा है, ये देखो यहाँ पे अगर इसे नंबरिंग कर रहे हैं, अगर हमने ये एक नंबर आ गया हाइड्रोजन जाएगा हमारा टू पे, ठीक है ये मिथाइल आएगा एक पे, यहाँ हाइड्रोजन जाएगा टू पे, तो ये कौन सा अल्किन बन गया, जेड अल्किन बन गया। तो ये जो एग्जाम्पल है दोस्तों आपकी बुक में हम इसे अलग से नोट करके लिखिए,
ये जो एग्जांपल्स है दोस्तों, ये मे बी आ सकता है आपके एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो अल्किन मिल रहा है हमें जेड अल्किन दे रहा है, और इसका जो मैकेनिज्म्स होगा आपके कैरोथर्स में नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पे जो ये रिएक्शन है दोस्तों, इसके बहुत सारे ऑप्शंस बन सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन में क्या ले सकता है, ये तो मेजर आ गया, हमें पता है हम लोग अकॉर्डिंग कैरोथर बात कर रहे हैं, ये मेजर आ गया। अब एक ऑप्शन आपको दे सकता है बना के ट्रांस अल्किन दे देगा, मिथाइल अरे C9H90 दे देगा, ये बी वाला। एक और ऑप्शन बन सकता है, अगर हमने कंजुगेशन अटैक कराए तो वो वाला भी एक ऑप्शन निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके बहुत सारे ऑप्शंस बन सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल है आपके नोट्स में, आप इसे स्टार करके लिखिए, प्रॉब्लम नंबर 3 को, इसलिए हमने इसे रेड पेन से लिखा है। ठीक है, अब जो दिया है नेक्स्ट एग्जाम्पल 4th वाला, ये हमने डिस्कस किया है दोस्तों क्लेडन के अंदर, इससे हम लोग ने कौन सा वाला हेडिंग डाल के डिस्कस किया है, वन स्टेप जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन, ये हेडिंग डाल के हमने हमारे लेक्चर नंबर 1st में इसे डिस्कस किया है। ठीक है, और क्या दिया है कैरोथर ने भी हमें, वन स्टेप जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन, हमने ये कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं हमारे क्लेडन में। इसके लिए कंडीशंस क्या है, वन स्टेप जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन के लिए, ये जो दिख रहा है हमें टेट्राजोल, ये जो रिंग दिख रही है भाई, ये होती है टेट्राजोल की, टेट्राजोल चाहिए हमें, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल ऐसे हमें दिया है सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड दिया है, 5 मेंबर की रिंग दिया है, और ये आर ग्रुप बस यहाँ पे चेंज किया है, क्लेडन में कुछ और आर ग्रुप थे, यहाँ पे उन्हें डिफरेंट आर ग्रुप दिया है, क्या वैसे हम आपको ऊपर पिक्चर प्रोवाइड करा रहे है। और जो कंडीशन है हमारी गिवन है, बेसिक कंडीशन है, और बेस कौन सा लिया है हमें, पोटेशियम हेक्सा मिथिल डाइसिल अजाइड्स, ये बेस होता है दोस्तों, क्लेडन में भी यही बेस यूज किया है हमने। जिन लोगों ने हमारा लेक्चर नंबर 1st नहीं देखा है, मैं बोल रहा हूँ बार बार, लेक्चर नंबर 1st जरूर देखिए, क्योंकि हमने वहां पे हर चीज का मैकेनिज्म बताया है, हमने यहाँ पे जितने भी इसके एग्जांपल लिए कैरोथर के, हमने ओवरऑल लिए, यहाँ पे हमने मैकेनिज्म के साथ डिस्कस नहीं किया है, लेकिन हमने लेक्चर नंबर 1st में मैकेनिज्म के साथ वहां पे बेसिक से डिस्कस किया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा भाई, हमें पता है बेस है, यहाँ पे हमारे पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, क्या करेगा, यहाँ पे इनोलेट बनेगा, सल्फोनील का इनोलेट बनेगा, और इस वाले कार्बन में और इस वाले कार्बन में रिएक्शन होंगी, और मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस वाले वन स्टेप जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म हमने लेक्चर नंबर 1st में देख चुके हैं, हम आपको ऊपर पिक्चर भी प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों कैरोथर की। तो जो प्रोडक्ट मिलता है हमें, ई अल्किन मिलेगा, कौन सा अल्किन मिलेगा, ई अल्किन मिलेगा, क्यों मिलेगा ई अल्किन, हमने ये भी डिस्कस किया है, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है हमारी जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन, ये रेजियन स्पेसिफिक रिएक्शन होती है दोस्तों। हम कार्बन की नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 1 ये 2 और ये 3 कार्बन। अब ये वाला कार्बन ने किसके साथ रिएक्ट किया, इस वाले कार्बन के साथ, तो अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये वाले कार्बन में और 3 वाले कार्बन में डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो मेरा R2 आ रहा है तो मैं R2 यहाँ पे लिख रहा हूँ, और ये जो बचा हुआ जो ग्रुप है आपका, ये पूरा ग्रुप आपका बाहर आता है। ठीक है ना, ये पूरा ग्रुप आपका बाहर चला जाएगा, और आपका जो प्रोडक्ट आया है कौन सा आया है, ई अल्किन प्रोडक्ट आया है। और इसमें हमने लास्ट के लेक्चर में और कुछ चीजें डिस्कस किया था, क्या किए थे दोस्तों हमने, वन स्टेप जूलिया ओलिफिनेशन के लिए हमें सोडियम अमलगम की कोई जरूरत नहीं होती है, विदाउट सोडियम अमलगम के भी हम लोग यहाँ पे ई अल्किन फॉर्मेशन करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा यहाँ पे कैरोथर्स के भी एग्जाम्पल्स खत्म होते हैं, हमने क्लेडन भी डिस्कस कर लिया है और कैरोथर भी दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो हमारा अगला वीडियो आएगा दोस्तों, वो आने वाला है आपके माइकल एच नांस यानी के ज़ूफाइल्स की बुक्स पे, और उस वाली बुक्स में दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स दिया है, बहुत ही एडवांस लेवल के एग्जांपल वहां पे उसने डिस्कस किया है, हम लोग उसे बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हम लोग जनरली इन तीनों बुक्स को कैटेगरी वाइज हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने क्लेडन में सिंपल और बेसिक्स एग्जाम्पल डिस्कस किए है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कैरोथर डिस्कस किया है, कैरोथर पे थोड़े मीडियम लेवल के एग्जाम्पल्स थे, लेकिन अब जब हम लोग डिस्कस करेंगे ज़ूफाइल्स पे तो आपको वहां पे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स और कुछ नए चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों। और एक बात, जो दोनों ही बुक्स की अगर बात करें, क्लेडन की भी और कैरोथर की भी, तो इन दोनों ही बुक्स में हमें जो रिएक्टेंट दिया था, सल्फोन दिया था,
हमें सल्फोन बनाना नहीं पड़ा है, ठीक है, हमें ऑलरेडी सल्फोन ने बना हुआ दिया था क्लिडन में भी और कैरोथन में भी। लेकिन माइकल एस जी फाइल्स की बुक्स में हमें उसने बताया है कि हम लोग सल्फोन किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जूलिया ओलिफिनेशन के लिए रिएक्टेंट बनाएंगे। बहुत नए नए कंसेप्ट दोस्तों माइकल एस नाच में दिया है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।